ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7.12, एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.12 जी, एलसी ऑसिलेशंस का क्वेश्चन है बेटा। ओके, एलसी ऑसिलेशंस मतलब कि एक हमारा सर्किट होता है जिसको एलसी सर्किट बोलते हैं। ये बन गया जी आपका एक कैपेसिटर, कैपेसिटर को इनिशियली कुछ चार्ज कर एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, इस वक्त स्विच ऑफ है, ये कैपेसिटर है, ये एक इंडक्टर है, इसको कहते हैं एलसी सर्किट और टैंक सर्किट। एलसी सर्किट करते क्या, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, टी इक्वल टू जीरो सारा चार्ज कैपेसिटर के होता है, स्विच ऑन करते ये डिस्चार्ज हो जाएगा, एनर्जी कैपेसिटर लूज करने लग जाएगा, लेकिन उस एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंडक्टर में एनर्जी आने लग जाएगी। ये पढ़ रखा होगा अपने एलसी सर्किट, और इसके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर चलता रहता है, कैपेसिटर लूज करेगा इंडक्टर में आ जाएगी, इंडक्टर लूज करेगा कैपेसिटर में आ जाएगी, और यहाँ पे एनर्जी और चार्ज दोनों ऑसिलेट होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। डिटेल में जाके आप पढ़िए इसको अगर नहीं पढ़ रखा होगा, बाकी क्वेश्चन हम करवा देते हैं। तो इसका ए पार्ट जो है वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, इज इट कंजर्व्ड ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशंस। तो जी इसका आंसर है इनिशियली सारी की सारी एनर्जी किसके पास थी, कैपेसिटर के पास थी ना इनिशियली, दैट मीन्स अभी स्विच ऑफ था, आपने स्विच अभी ऑन किया नहीं है। वैल्यू जिसमें दे रखी है कि जो इंडक्टर है एलसी सर्किट कंटेन 20 मिली हेनरी इंडक्टर 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ, इनिशियल चार्ज भी दे रखा है क्यू नॉट 10 मिली कूलम, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नेग्लिजिबल है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो फर्स्ट पार्ट कहता है व्हाट इज द टोटल एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फार्मूला वैसे हाफ सी वी स्क्वायर होता है, वी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी यूज किया जा सकता है। ओके, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, इनिशियल चार्ज क्यू नोट था, तो जो भी उसकी वैल्यू है पुट कर देंगे तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ क्यू की जगह पर 10 मिली कूलम, 10 इंटू 10 इस पावर माइनस 3, नीचे आ जाएगा सी कैपेसिटेंस यानी 50 माइक्रोफेरेड 10 की पावर माइनस 6, ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। अगर इसको सॉल्व कर लें आप तो सारी चीज़ें यहाँ पर कट रही हैं, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 6 है माइनस 3 है, ऊपर जाके 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी करना था ना, क्यू नोट का स्क्वायर है बेटा, इसका पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये बाद में काटेंगे, तो इसका क्या होना था स्क्वायर भी होना था, तो ये मेरे ख्याल से सब कुछ ही कटेगा, 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 यहीं पे कट गए, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, नीचे 52 1 जाओ आ गया भैया, बहुत इजी आंसर आ गया। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इज 1 जाओ। ओके जी, अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट हो गया डन है, ठीक है। अगला पार्ट कह रहा है जी आपका एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का मतलब सारी की सारी एनर्जी किस में है कैपेसिटर में है। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान देना, टी इक्वल टू जीरो पे सारी एनर्जी इसमें, इसके बाद इंडक्टर में जाएगी फिर वापस आएगी, तो ये पूरा का पूरा ना साइकिल होता है साइकिल। ओके, साइकिल इसका ये कहता है कि सबसे पहले एनर्जी कैपेसिटर में है। ओके जी, उसके बाद सारी एनर्जी किस में आ जाती है इंडक्टर में, और कैपेसिटर बिल्कुल हो जाता है खाली। ओके, उसके बाद कैपेसिटर दोबारा चार्ज हो जाता है, लेकिन पोलैरिटी इसकी क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। ओके, उसके बाद फिर से सारी इंडक्टर में चली जाएगी और कैपेसिटर हो जाएगा खाली, उसके बाद फिर से इंडक्टर इसको दोबारा चार्ज कर देगा और इसमें एनर्जी आ जाएगी और ये फिर से सेम पोलैरिटी हो जाएगी। अब जब ऐसा होगा तब हम कहेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गया। फिलहाल बेटा आपको न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, टॉपिक नहीं कराया जा रहा है, तो इसलिए टॉपिक का थोड़ा बहुत पार्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं,
ओके जी, तो ये सिचुएशन है टी इक्वल टू जीरो वाली। ओके, इस वक्त इंडक्टर में कितनी एनर्जी है? जीरो। और इसमें कितनी एनर्जी है? मैक्सिमम। इसके बाद इंडक्टर में हो जाएगी मैक्सिमम, इसमें कितनी हो जाएगी? ये टी था, टी इज इक्वल टू जीरो पर। अब आप समझ सकते हो ओवरऑल साइकिल यहां जाके कंप्लीट होता है। तो पूरे टाइम पीरियड को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये होगा जाकर टी बाय फोर पर। ओके, इसके बाद इंडक्टर में फिर जीरो हो जाएगी, इसमें फिर मैक्सिमम हो जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी है, उसके साइन का कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन पोलैरिटी अलग है। ये टाइम माना जाएगा आपका टी बाय टू। ओके, जैसे वेव्स में, ऑसिलेशंस में हम टोटल टाइम को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पर भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया। ये स्टार्टिंग है, ओके, यहाँ से शुरू होगा, ये वन फोर टाइम हो गया, ये हाफ हो गया, ये थ्री टी बाय फोर हो गया, और यहाँ आके साइकिल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके, ये वन फोर्थ, ये दो बार वन फोर्थ यानी हाफ टाइम हो गया, तीन बार वन फोर्थ टाइम यानी कि थ्री टी बाय फोर, ये फोर बार वन फोर्थ यानी कि टोटल टाइम हो गया। तो यहाँ पर इसमें एनर्जी मैक्सिमम, इंडक्टर में जीरो, इंडक्टर में मैक्सिमम, कैपेसिटर में जीरो, ठीक है, इसमें फिर जीरो, इसमें मैक्सिमम, ओके, इसमें फिर मैक्सिमम, यहाँ फिर जीरो, यहाँ फिर जीरो, यहाँ पर फिर मैक्सिमम। ओके, बोला गया था रेजिस्टेंस है ही नहीं है। अब रेजिस्टेंस है ही नहीं है, इसीलिए ये पूरी की पूरी एनर्जी वापस आ रही है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस हो जाए तो एनर्जी के लॉसेस भी होंगे जी। ओके, अब क्वेश्चन था अपना एट व्हाट टाइम, बी पार्ट जो था आपका चेक कर लो, एट व्हाट टाइम, मैं सी पहले कराने लग गया, बी बाद में देखते हैं, चलो। एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कब होगी? अब देख लो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कब होगी। एक तो होगी टी इक्वल टू जीरो पर, इस वक्त तो जीरो है, फिर से इसमें मैक्सिमम आ गई, एक होगी टी बाय टू पर, अब फिर जीरो होगी, एक फिर कब पाएगी? टी पर। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कौन कौन से टाइम पर? आंसर हमारा एग्जैक्टली आएगा, इट विल बी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एट, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल मीन्स इन कैपेसिटर, एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी बाय टू, है ना। टी बाय फोर पे तो मैग्नेटिक में चलेगी ना, जीरो थी, तो जीरो पर टी बाय टू पर, या फिर कहां पर? टी पर, एंड सो ऑन, ठीक है जी। जीरो, टी बाय टू, टी, अगले टाइम में फिर इसमें टी बाय फोर में टी बाय टू पुट कर दोगे, क्योंकि हाफ ऑफ साइकिल का फर्क है, जीरो से लेकर टी बाय टू, टी बाय टू से लेकर टी, अगला आ जाएगा थ्री टी बाय टू, क्योंकि ये है वन टी बाय टू, ये है टू टी बाय टू, अगला आ जाएगा थ्री टी बाय टू, एंड सो ऑन, राइट जी। अगर इसने पूछा होता कंप्लीटली मैग्नेटिक कब कब होगी, तो उसके टाइम भी आपके पास निकले पड़े हैं। कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगी? टी इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू, नहीं, टी इज इक्वल टू जीरो पे तो इलेक्ट्रिकल थी, कंप्लीटली मैग्नेटिक होगी टी इक्वल टू टी बाय फोर पर, या थ्री टी बाय फोर पर, या फिर ऐसे चलता रहेगा। तो सेकेंड पार्ट को समझो, इसके लिए आपको एल सी ऑसिलेशन बढ़िया तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन क्लियर होता है। एक क्वेश्चन अपना बीच में मिस हो गया, बी पार्ट, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ओके, सर्किट की क्या चाहिए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही होती है सर्किट की, वन डिवाइडेड बाय टू पाई अंडर रूट एल इन टू सी। इसमें कुछ नहीं है, एल की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू पुट कर दो। एल 20 मिली हेनरी है, मिली को हेनरी में कन्वर्ट करना मत भूलना, माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करना मत भूलना। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। ओके, आंसर हमारे सामने था, हमने बोल दिया इट विल बी 10 इज पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। सी पार्ट मैंने पहले करा दिया, समझने वाला था, इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। तो बहुत बार हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एल सी सर्किट ये रेजोनेंट सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वली
होती है। तो ए पार्ट बेटा डन, बी पार्ट डन, सी मैंने पहले करा दिया था, अब किस पे आते हैं। सी में एक और बात थी यार कि फर्स्ट पार्ट कह रहा था कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, सेकंड पार्ट कह रहा था कंप्लीटली मैग्नेटिक। ओके वो दोनों हो गए। कंप्लीटली मैग्नेटिक मतलब इंडक्टर की एनर्जी, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल मतलब कैपेसिटर की एनर्जी। कैपेसिटर में कब कब आ रही थी, इट वॉज जीरो टी बाय टू, टी थ्री टी बाय टू एंड सो ऑन। और मैग्नेटिक कब थी, इट वॉज टी बाय फोर पे आई थी, अगली थ्री टी बाय फोर पे आई थी, और ऐसे ही फाइव टी बाय फोर एंड सो ऑन चल जाएगा। ओके जी, अब आते हैं हम, इसमें एक और पार्ट था कंप्लीटली मैग्नेटिक, ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो गया। डी क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम्स इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वो टाइम चाहिए हमें जब जो एनर्जी है कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल और इक्वली शेयर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक में। अब इसको भी सुन लो, अगर मान लिया जाए कि एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन एल एंड सी, तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो कैपेसिटर की एनर्जी है उसकी मैक्सिमम एनर्जी की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, राइट। मैक्सिमम एनर्जी हमने निकाली थी वन जूल, यानी कि जब इक्वली शेयर हो रही होगी कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ जूल। ओके, इससे मैं एट दैट टाइम जब इक्वली शेयर हुई थी कैपेसिटर में चार्ज कितना बचेगा वो निकाल सकता हूं। तो उस वक्त कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचेगा, हम एनर्जी का फार्मूला लगा देंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। यहां से क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, टू इंटू सी इंटू यू। क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, टू सी ऊपर भेज दिया। क्यू किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट टू इंटू सी इंटू यू। ओके, उस वक्त जब इक्वली शेयर हो रहे थे कैपेसिटेंस तो चलो वही रहेगा, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6, राइट। यू कितनी आ गई थी अपनी, 1/2। इसको हमने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो बेटा इसको अगर आगे सॉल्व करें तो इट विल बी अंडर रूट 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ओके, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं यार, अगर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें ताकि रूट वूट का पंगा खत्म हो, तो हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया। तो q किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 100 हो गया इंटू 10 के पावर माइनस 6, और नीचे क्या हो गया, 2 हो गया। बात वही है, ये 50 रहेगा। तो q जो आ रहा है अपना वो किसके इक्वल आ गया, इट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6। 10 की पावर माइनस 4 बच गया, बाहर जाके क्या बच गया, 10 की पावर माइनस 2, नीचे कितना आ गया, रूट 2 आ गया। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी क्यू नॉट जो था वो किसके इक्वल था, 10 मिली कूलम के इक्वल था। 10 मिली कूलम का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी 10 की पावर माइनस 2 कूलम। तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 10 इज पावर माइनस 2, ये किसकी वैल्यू है, इनिशियल चार्ज की। तो हम ये भी कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2 आ गया। ओके जी, नोट करो, अभी चलेगा आगे क्वेश्चन। तो हमने देखा कि जब इक्वली शेयर करेंगे तो जो क्यू डैश बचेगा, यानी कि जो इस वक्त चार्ज बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 हो। अब आपने नोट कर लिया होगा, सो व्हेन इट इज इक्वली शेयर्ड, दोनों के पास एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी आपस में क्या हुई पड़ी है, सेम है। तो एट दैट टाइम कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो इसके मैक्सिमम चार्ज कह गया, रूट 2 टाइम्स आ गया। हमने अभी अभी ये कैलकुलेट किया,
अब एक बड़ा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला कि कैपेसिटर जब स्विच ऑन किया था तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। ओके, टी इक्वल टू जीरो पे इस पे चार्ज मैक्सिमम था क्यू नॉट, डिस्चार्जिंग जब होगी तो इसके लिए भी इक्वेशन लगेगी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, क्योंकि इसकी वेरिएशन भी पीरियोडिक है और टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम है तो कॉस ही यूज करना है। हमने देखा था अभी समझाया कि वो कभी वो चार्ज आ जाता है, कभी डिस्चार्ज हो जाता है, कभी फिर से आ जाएगा, कभी फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा, इसलिए फिर ओवरऑल क्यू वेरी करता रहेगा। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जीरो पे उस पर मैक्सिमम था इसलिए कॉस ही लगना चाहिए, तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी आएगा। राइट, अब जिस वक्त एनर्जी इक्वल थी उस वक्त चार्ज कितना आ गया था हमारा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू आ गया था, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। अब ध्यान देना, अगर कॉस ओमेगा टी की वैल्यू वन बाय अंडर रूट टू आ रही है, दैट मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू क्या बन रही है जी, ओमेगा टी की वैल्यू बन रही है पाई बाय 4, 45 डिग्री बन रहा है ना, कॉस 45, यानी एंगल जब कितना होगा 45 डिग्री होगा तब ये वैल्यू बनती है 1 बाय रूट टू। तो इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 4 या फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 4 या फिर उसमें 2 पाई और ऐड करते जाएंगे। अब अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी हो तो आपको क्लियर होगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये टी है, ये किसके इक्वल आ रहा है, पाई बाय 4 इंटू 2n प्लस 1, क्योंकि जो एंगल है ना बेटा सिर्फ पाई बाय फोर पे नहीं आनी, ये और भी इसमें 2 पाई ऐड करते जाओ, 2 पाई ऐड करते जाओ तो और भी वैल्यूज बनेंगी। तो इसको हम लिखेंगे 2n प्लस 1, साथ में क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। यहां से पाई क्या हो गया, कैंसिल, t की वैल्यू बनने वाली है 2n प्लस 1 इंटू, ये t ऊपर चले जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, t बाय 8, पाई बाय 4 का मतलब वैसे भी क्या होता है t बाय 8 होता है। और n की स्टार्टिंग यहां पे कहां से देनी है, 0 1 2 एंड 3, यानी कि जब t इक्वल टू 0 पुट करोगे यहां पर, n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो t कितना आ जाएगा, t बाय 8 आ जाएगा। मतलब पहला टाइम वो होगा जब बराबर होगी t बाय 8, उससे अगला होगा फिर उसमें क्या कर दोगे, टू यहां पे 2 पुट कर दोगे, इट विल बी 3t बाय 8। सो बराबर बराबर एनर्जी कैपेसिटर इंडक्टर में कब आएगी, सबसे पहला टाइम यहां 0 पुट किया, इट विल बी t बाय 8, नेक्स्ट 3t बाय 8, नेक्स्ट 5t बाय 8 एंड सो ऑन। ठीक है जी, कैपेसिटर इंडक्टर 0 पे इसके पास मैक्सिमम थी, ठीक है जी, टी बाय 4 पे इसके पास मिनिमम हो गई थी, इंडक्टर में चलेगी सारी, और जो बीच का टाइम था टी बाय 8 उस वक्त बराबर बराबर है, ठीक है जी, टी बाय 4 पे सारी किस पे, इंडक्टर पे, टी बाय 2 पे फिर से कैपेसिटर पे, इसके बीच का टाइम 3t/8 है, ये फिर से इक्वल है। ओके, तो ये इक्वल वाले टाइम में बीच में, यहां पे प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव इक्वल, ठीक है जी, प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव और यहां पे बीच में इक्वली, ऐसे चलता जाएगा भाई, बड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है,
15-20 मिनट्स हो चुके हैं इस क्वेश्चन को करते हुए, एक पार्ट अभी आगे और रहता है इसका, तो इसको भी ठीक से देख लेना बढ़िया तरीके से। अब बेटा इसका लास्ट पार्ट है, ये कह रहा है इफ अ रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। अच्छा जो ए पार्ट था ना उसमें भी एक बात बोल रखी थी, वो हमने मिस कर दी, कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी हमने निकाल ली थी, इज दिस एनर्जी कंजर्वड ड्यूरिंग एससी ऑसिलेशंस। तो वहां पर ना इसने बोल रखा था रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, तो वहां पे तो हमारा आंसर था यस, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, स्टोर्ड रहेगी। अब लास्ट पार्ट में इसने क्या बोल दिया है कि जी अगर हम इसमें एक रजिस्टर लगा दें, इफ रजिस्टर इज, पढ़ो इसको, इफ द रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड। भैया अगर सर्किट में रजिस्टर लगा दिया तो अल्टीमेटली सारी की सारी एनर्जी ही क्या हो जानी है, लूज हो जानी है, हर साइकिल में थोड़ी बहुत ही एनर्जी का लॉस होगा और उसके बाद अल्टीमेटली इसकी टोटल एनर्जी लॉस हो जानी है। ये ऑसिलेशंस अगर सर्किट में रजिस्टर भी हो जाए डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती हैं। अल्टीमेटली आंसर जीरो आ जाएगा, तो आंसर है कि अल्टीमेटली ऑल द एनर्जी ऑफ द सर्किट विल बी डिसिपेटेड। बात खत्म, लंबा क्वेश्चन है लेकिन एलसी सर्किट का क्वेश्चन था, आ सकता है इसमें से पार्ट्स आ सकते हैं, सारा आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी तो करनी ही पड़ेगी, करो इसको।